आईफोन कैमरा लेंस प्रोटेक्टर, आपको इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या रिव्यू है लोगों का, ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, इस तरह की जो भी अपडेट्स और वीडियोज़ आती हैं उनको सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आईफोन लिया है या फिर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको भी होगा डाउट कि ये जो लेंस है, क्योंकि काफ़ी उभरा हुआ रहता है इसके कैमरे का लेंस, तो ऐसा ना हो उसको कहीं रखने पे, टेबल पे या फिर जेब में रखने पे स्क्रैच आ जाए, क्योंकि ये भी सफेद ग्लास का बना होता है, काफ़ी हार्ड होता है। अगर आप अपनी पॉकेट में रखते हैं इसको और साथ में कोई कॉइन रखते हैं या की रखते हैं, तभी हो सकता है इसके ऊपर स्क्रैच आए, या साथ में आप दो मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो हो सकता है स्क्रैच आ जाए। लेकिन अगर आप सिंगल मोबाइल लगते हैं और कोई भी चीज़ जेब में नहीं रहेगी तो उस पर स्क्रैच आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खुद से काफ़ी ज़्यादा हार्ड ग्लास का बना है, यहाँ तक अगर गिर भी जाता है तो जल्दी स्क्रैच नहीं आता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे कैमरा लेंस प्रोटेक्टर आ रहे हैं जिसका प्राइस आपको 100 रुपये से लेकर 2-2 हज़ार या उससे भी ज़्यादा तक के मिल जाएंगे। मैं इतने दिन से एक लेंस यूज़ कर रहा था जो कि करीब 600 रुपये के करीब प्राइस था, उसमें से एक लेंस जो मेन कैमरे का था वो मैंने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया ये सारी चीज़ें आज बताएंगे, और बाकी आप मेरे फ़ोन पे देख सकते हैं ये दो लेंस लगे हुए हैं, एक ये और एक ये दोनों लेंस अभी लगे हुए हैं। जो मेन कैमरे का लेंस था ये वाला, ये मैंने रिमूव कर दिया, थोड़ा सा क्लोज कर दे रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। बॉर्डर आ रहा है ब्लैक कलर का, बाकी जो नीचे वाले दोनों लेंस हैं। तो इसको एक हफ्ता मैंने यूज़ करा और मैंने देखा कि जो मैं वीडियोग्राफी इसके थ्रू करता हूँ या फोटोग्राफी इसके थ्रू करता हूँ तो दोनों में जो क्वालिटी है वो कम से कम 20-25% तक डिक्रीज़ होती है। आपने देखा होगा जब भी आप फोटो लेते हैं जो उसकी एजेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी आती हैं, और जो जूम करेंगे आप अगर अपनी वीडियो को या फिर फोटो को तो उसके पिक्सल्स जो हैं वो फटने लग जाते हैं। जो मैं लेंस यूज़ कर रहा था, मैं उसकी किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, यहाँ किसी की कंपनी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट में आपको इस तरह के जो लेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरा जो यूज़ था वो मेन कैमरे का ज़्यादा था, इस वजह से मैंने मेन कैमरे का जो लेंस था वो हटा दिया है, और जो उसका वाइड एंगल लेंस है आईफोन का और जो माइक्रो लेंस है उसका मैं इतना यूज़ नहीं करता, इसलिए मैंने उस पर जो कैमरा प्रोटेक्टर है वो लगा रहने दिया है। अगर आपका भी इसी तरह से यूज़ है, आप वाइड एंगल ज़्यादा यूज़ करते हैं या माइक्रो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो यूज़ करते हैं उस पर से अपने लेंस को हटा दें। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं नया लेंस प्रोटेक्टर लेने के लिए अपने कैमरे के लिए तो मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटो लेते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी, जिसके बाद अगर आप एडिटिंग करते हैं उसके ऊपर और उसके बाद आप उसको पोस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, तो आपको खुद लगेगा कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई है। लेकिन आप पहले से यूज़ कर रहे हैं और बार बार आप कैमरे की सेटिंग्स को अपडेट करते रहते हैं कि आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन बाकी लोग जो फोटोज़ लेते हैं वो काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी क्लियर दिखती है, वो इसका रीज़न यही है, जो आपने कैमरा लेंस प्रोटेक्टर लगा रखा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा महंगा लेंस प्रोटेक्टर लेते हैं भी, जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं 20% के करीब डिग्रेड होती है, जिसकी वजह से आपकी इमेज और वीडियोस क्लियर नहीं आती है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा इस तरह के जो भी मार्केट में कैमरा लेंस प्रोटेक्टर हैं वो आप मत यूज़ करें, खासकर आईफोन का तो बिल्कुल यूज़ ना करें। आप मेरी नहीं तो कई वीडियोज़ और आपको सर्च करने पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि जो कैमरा लेंस प्रोटेक्टर यूज़ करने के बाद क्वालिटी डिग्रेड ना होती हो। जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने कैमरे पे कभी भी इस तरह का जो भी कैमरा लेंस प्रोटेक्टर है उसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता है जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा कैमरे का यूज़ या इमेज का यूज़ नहीं करते हैं, तब आप इस तरह का जो कैमरा लेंस प्रोटेक्टर है वो आप बाय कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका कैमरा बचता है, नो डाउट कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैमरा भी आपका सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप कभी फ्यूचर में उससे फ़ोटो लेना चाहते हैं या वीडियो लेना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी में डिग्रेड मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इस तरह की जो और वीडियोज़ आती हैं उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।